Assalamu alaikum. Today we will discuss evometer, multimeter and digital multimeters. Evometer ko hum discuss karenge and isi ki digital form ko bhi discuss karenge. Multi mean man and meter instrument which is used to measure anything. Jaise hamare paas meter rod hota hai, usi tarah hame pata chal jata hai ki iska matlab hai ki humne usse length measure karni hai. Similarly, agar evometer hai to ye aapki measuring device hai jo multi function hai aur isme एटलीस्ट थ्री फंक्शंस होते हैं जिसमें ये एज अ एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर एंड ओहम मीटर वर्क कर सकती है. तो हम पहले इसको देखेंगे, इसकी फिगर की हेल्प से भी आपको दिखाऊंगी, इसको डिफाइन करेंगे और इसको एज अ करंट मेजरमेंट डिवाइस, एज अ वोल्टेज मेजरमेंट डिवाइस एंड एज अ रेजिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस हम डिस्कस करेंगे. एवोमीटर में यहाँ पे जो वर्ड है एवो, इट्स मीन इसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो सिंपल है कि इट इज मल्टी फंक्शन डिवाइस विच इज यूज्ड एज अ एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर, ओहम मीटर. सो एवो वर्ड रिप्रेजेंट्स एम्पेयर, वोल्टेज एंड ओहम. तो ये तीनों इसके फंक्शन है, इस वजह से इसका नेम एवो मीटर रखा गया है. तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे एज अ करंट मेजरिंग डिवाइस, फिर हम देखेंगे एज अ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस, फिर देखेंगे एज अ रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस और लास्ट में इसके डिजिटल जो डिजिटल फंक्शन है यानी कि डिजिटल मल्टीमीटर है उसके देखेंगे हम कि उसकी प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या हैं. तो सबसे पहले हमने इसे डिफाइन कर दिया कि इट इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस. सो दैट्स व्हाई इसका नेम एवो है. तो एवोमीटर की खास बात ये होती है कि एवोमीटर जो है वो डायरेक्ट करंट एंड आपके पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट है दोनों में मेजरमेंट्स कर सकता है. ये मैंने आपको यहाँ पे पहले एक फिगर शो की है. ये फिगर इसलिए यहाँ पर शो की है कि आपको थोड़ा सर्किट डायग्राम्स अंडरस्टैंड करने में इजी हो. ये जो ब्लैक कलर का स्विच आपको नजर आ रहा है, दिस इज सिलेक्टर स्विच, मीन इसकी ये फंक्शन सिलेक्टर है. इसकी हेल्प से हम फंक्शन सिलेक्ट करते हैं. ये आपको यहाँ पे ए लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये एम्पेयर के लिए है और ये जो इसके साथ साइन है ये एसी सिग्नल का साइन है. मीन्स यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट की रेंजेस हैं जो ये येलो में है और ये यहाँ पे बाकी की व्हाइट है जो आपकी डायरेक्ट करंट की रेंज होती है. इसी तरह यहाँ ओहम जो यूनिट यहाँ मेंशन है, अगर हम अपने इस सिलेक्टर स्विच को मूव करके ओहम पर ले आए तो इट विल एक्ट एज अ ओहम मीटर. और यहाँ पे ये वोल्टेज के रेंज है, यहाँ पे भी वोल्टेज डायरेक्ट करंट की वोल्टेज और एसी वोल्टेज दोनों फाइंड कर सकता है. इसलिए सिलेक्टर स्विच को अगर हम इस तरफ को ये इसका पोर्शन जो है मूवेबल होता है, इस ब्लैक स्विच को मूव कर हम वोल्टेज की तरफ ले आएंगे तो इट विल एक्ट एज अ वोल्ट मीटर. तो ये इसके तीन मेन फंक्शन है. यहाँ से ये पावर ऑन होता है और ये इसकी दो लीड्स हैं, दो टर्मिनल्स हैं जिनको हम टच करते हैं सर्किट के अंदर एज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव. ब्लैक रिप्रेजेंट्स नेगेटिव एंड रेड रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव. बट इन केस ऑफ वोल्टेज एंड एम्पेयर हम ये दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव इसकी पोलैरिटी का ख्याल रखते हैं. बट जब हम इसे एज अ ओहम मीटर यानी कि हम अपना सिलेक्टर स्विच जो है फंक्शन स्विच जब ओहम की साइड पे कर देते हैं तब हम इनकी पोलैरिटी तब मैटर नहीं करती क्योंकि रेजिस्टेंस में पोल्स नहीं देखते हम. तो यहाँ पर मेन हमने पोलैरिटी इन दोनों की, दोनों लीड्स की पोलैरिटी का ख्याल हमने तब रखना है जब हम इसे एज अ एम्पेयर मीटर यूज कर रहे हो या एज अ वोल्ट मीटर. तो ये आपके पास डिजिटल की मैंने आपको शेप दिखाई है, ये बेसिकली डिजिटल है. और दूसरा जो होता है उसमें से ये फर्क होता है कि यहाँ पर रीडिंग आपको इस तरह से डिस्प्ले नहीं होती, जहाँ यहाँ जैसे यहाँ डिस्प्ले हो रही है उसमें रीडिंग हम खुद उसे रीड करते हैं. जैसे आप किसी भी लेबोरेटरी उसपे लेवल पे आप जैसे देखते हैं एम्पेयर, उसमें वोल्ट मीटर में गिल्वानों में आप नीडल की फॉर्म से वो जो रीडिंग्स जो हैं उसकी हेल्प से आप जो रीड करते हैं उस तरह के भी होते हैं. लेकिन ये जो ये है डिजिटल मल्टी मीटर, एवोमीटर, ठीक है. तो इसको मल्टी इसलिए बोलते हैं जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं. तो यहाँ पर ये आपने देखा इसको, तो अब मैं आपको सर्किट डायग्राम शो कर दी उसकी ताकि आपको इजी हो इसको अंडरस्टैंड करना. यहाँ पर ये देखिए डिफरेंट इसके यूनिट भी दिए हुए हैं, ये एम्पेयर वाली रेंज दी हुई है, ये मिली एम्पेयर रेंज है. इसमें बहुत से फंक्शंस होते हैं और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है. जो डिजिटल मल्टी एम्पीटर है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल होता है. अब हम इसके सर्किट डायग्राम देखते हैं. एक तो यहाँ पर ये देखिए ये जो रेड एरो है, ये वो जो ब्लैक मैंने आपको सिलेक्टर स्विच दिखाई उसको शो कर रहा है. और यहाँ पर आपके पास ये तीनों बॉक्सेस वोल्टेज मीटर, करंट मीटर और ओहम मीटर यानी कि रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट को रिप्रेजेंट करेंगे. वोल्टेज मेजरिंग सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स आपको सर्किट मेजरिंग करंट मेजरिंग आपको शो कर रहा है और थर्ड आपको रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट शो कर रहा है. ये मैंने आपको वन बाय वन ऊपर सिलेक्टर स्विच में दिखाई दी थे. सिलेक्टर स्विच के साथ मैंने ये तीनों
आपको दिखाए थे तीनों कि किस तरह से ये एसी और डीसी में कन्वर्जन करते हैं। जहां तक ये बात है कि जो आपके पास X1, X2, X3 शो किया हुआ है और ये वाली वाई लीफ यहाँ पे शो की गई है, ये जो मैंने आपको अभी फिगर में रेड और ब्लैक लीफ दिखाई है उनको रिप्रेजेंट करती है। सिलेक्टर स्विच मूव कर कर बस सिर्फ इस सर्किट के सामने आ जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए अभी इस वक्त आपका सिलेक्टर स्विच जो है, अगर इसको इसकी इस पोर्शन को हम मूव कर कर यहाँ ले आए तो आपका सिलेक्टर स्विच किससे कनेक्ट हो जाएगा, एम्पेयर मीटर यानी कि करंट मेजरिंग सर्किट से कनेक्ट हो जाएगा। और बाकी वो जो X1 है वो आपकी एक लीड होगी और Y आपकी एक लीड होगी, यानी कि ये दो लीड्स अलग ही रहती हैं। वहां सिलेक्टर स्विच का उस तरफ करने का पर्पस ये नहीं कि वो इस लीड से कनेक्ट हो जाएगा, बल्कि वो एक्चुअली ये शो कर रहा है कि वो ये सर्किट डायग्राम ये शो कर रही है कि आपका सिलेक्टर स्विच इस करंट मेजरिंग डिवाइस के साथ उस टाइम कनेक्ट हो जाएगा। अभी आपका एरो जो है वो वोल्टेज मेजरिंग सर्किट की तरफ है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसे एज अ वोल्टमीटर शो किया हुआ है और X1 और Y लीड यहाँ पर वर्क करेंगी। फिर जब हम अपना सिलेक्टर स्विच मूव कर सेकेंड इस लीड के सामने ले आएंगे तो इस वक्त आपकी X2 एक एज अ 1 लीड एक्ट करेगी और Y एज अ सेकेंड लीड, जबकि सिलेक्टर स्विच जो है वो शो करेगा कि आप इस वक्त जो है वो इसे एज अ करंट मेजरिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं। और ये जो डॉटेड लाइन है ये इसकी रेंजेस हैं, बीच में ये कुछ भी हो सकती है, 200, 2000, ये रेंज पे डिपेंड करता है। जैसे अभी आपने फिगर में भी देखा कि मल्टीमीटर के ऊपर डिफरेंट रेंजेस मेंशन है, करंट की फॉर्म में, वोल्टेज की फॉर्म में, ये सारी मेंशन है। तो ये वाले जो टर्मिनल है इसके एक्स और वाई ये एज अ लीड शो किए हुए जो मैंने आपको फिगर में दिखाई है, और बाकी के ये तीनों बॉक्सेस उसके उसको शो करते हैं उसके सर्किट्स को। और ये जो आपके पास मल्टी एवोमीटर होते हैं, ये मल्टीमीटर्स होते हैं, इनकी पर्सनल बैटरी होती है जिसकी वजह से आप जस्ट इसको ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं और लीड्स जो है वो टच कर करंट या वोल्टेज या रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। तो इंटरनल बैटरी सोर्स का ये यूज करते हैं हमारे पास एवोमीटर्स। सिंपल है, बहुत ही इजी सा है ये टॉपिक। एवोमीटर की जो क्वांटिटी है आपके पास मींस क्वांटिटी टू बी मेजर्ड एंड इट्स रेंज कैन बी सिलेक्टेड थ्रू द सिलेक्टर स्विच, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके थ्रू आपके सारी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका जो आपके पास है, अब हम इसका करंट मेजरमेंट सर्किट देखते हैं, बहुत इजी सा है। आपको पता है कि कन्वर्जेंस आपने पढ़ी इससे पहले कि आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसमें हमने देखा कि करंट मेयरिंग डिवाइस के अंदर हमें शंट रेजिस्टेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा उसकी जरूरत होती है, और वोल्टेज मेयरिंग डिवाइस बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ हम हाई रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। तो सिमिलरली आपके पास इसी तरह एवोमीटर के अंदर ये सारे सर्किट ऑलरेडी बने हुए होते हैं, लेकिन उनकी रेंज को चेंज करने के लिए हम सिंगल शंट की बजाय मल्टीपल शंट यूज करते हैं। इसी तरह सिंगल हाई रेजिस्टेंस की जगह मल्टीपल हाई रेजिस्टेंसेस यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये आपके पास मिली एम्पियर मीटर बना हुआ होता है ऑलरेडी एम्पियर मीटर में, इसके साथ पैरेलल में हम कुछ ये शंट रेजिस्टेंस जो है जो खुद सीरीज में इसके साथ कनेक्ट करते हैं इसके सामने। तो ये सीरीज में जो शंट रेजिस्टेंस है इसका कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, बहुत इजी है इसको समझना। जस्ट ये शंट रेजिस्टेंसेस इन सीरीज जो कनेक्ट होते हैं इनका पर्पस होता है कि आप जो है वो डिफरेंट रेंज का जो है वो करंट मेजर कर सके। आपको मैंने बाहर जो ऊपर मल्टीमीटर दिखाया फिगर में, उसमें दोबारा मैं आपको शो कर देती हूँ। अगर आप देखें इस फिगर को, इसमें ये देखें कि ये एम्पेयर मीटर के अंदर डिफरेंट रेंज है, 20, 200, फिर उसके बाद ये सारी आपकी डायरेक्ट करंट की है, 2000, कुछ माइक्रो में है, कुछ मिली में है आपके पास। मीन ये देखें, ये अगर आपने एम्पेयर में करना है तो यहाँ ये लीड उठा के हम एम्पेयर में लगा देते हैं, अगर इसी को मिली बनाना है तो ये अंदर ये सारे ये किस तरह से मिली में और एम्पेयर में चेंज हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस, जो अंदर डिजिटल मल्टीमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए गए हैं इसी एम्पेयर मीटर के साथ, तो ये चेंज करते हैं इसकी रेंज को। ये शंट रेजिस्टेंस होते हैं यहाँ पर जो हमारी बुक में शो किए हैं, ये R1, R2, R3 है। इस वक्त इसका मतलब है ये ऐसे मल्टीमीटर की सर्किट डायग्राम है जिसमें 3 रेंज ऑफ करंट आप एट अ टाइम मेजर कर सकते हैं। सपोज आपके पास ये 20 एम्पियर है, ये 200 है, ये 2000 है, या टू या आपके आप कह सकते हैं मिली एम्पियर है, तो इसमें ये देखेंगे दो लीड्स वही रेड और ब्लैक हैं, ये जो दो डॉट्स हैं, और ये सिलेक्टर स्विच जो सेंटर में मूव करता है वो है। तो हम क्या करते हैं, जब हम अपने उस रेंज में ले आते हैं, जैसे हमने दिखाया कि X1 के सामने ले आते हैं तो रेंज में आ जाते हैं, उसको फर्दर हम किसी वैल्यू के सामने जब ये सिलेक्टर स्विच मूव करते हैं तो इंटरनली इसी तरह सीरीज में लगे इन शंट रेजिस्टेंसेस में से किसी एक के साथ कनेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 20 एम्पियर तक का करंट जो है सर्किट में मेयर करना है कि 20 एम्पियर रेंज मुझे मेयर करनी है, तो मैं सिलेक्टर स्विच को मूव कर 20 एम्पियर जहाँ लिखा होगा उसके सामने कर दूंगी।
लेकिन इनसाइड क्या होगा कि वो ऐसे शंट के साथ, ऐसे शंट रेजिस्टेंस के साथ इंटरनली वो कनेक्ट होगा जिसकी रेंज 20 एम्पीयर बनेगी। अदरवाइज ये मल्टीमीटर जो है वो तो ज्यादा रेंज के भी हो सकते हैं। तो आपके पास सिंपल आपको बस ये समझना है कि इनर सर्किट के अंदर इनकी रेंज को चेंज करने के लिए कन्वर्जन्स अगर आप अच्छी तरह पढ़ चुकी हैं, वो तो आपको आता होगा कि गैल्वेनो को आप एम्पीयर मीटर बनाते हैं, गैल्वेनो को या वोल्ट मीटर बनाते हैं, लेकिन फर्दर उनकी रेंज बढ़ाने के लिए हमें कम्बिनेशन ऑफ शंट रेजिस्टेंसेस यूज करना होता है एमीटर के अंदर, जिसकी वजह से हम एवोमीटर बनाते हैं, मीन्स मल्टीमीटर उसे बनाते हैं। तो इसी मल्टीमीटर इसीलिए कहते हैं कि एक से ज्यादा वैल्यूज ऑफ करंट को मेयर कर सकता है। अब यही सिलेक्टर स्विच अगर मूव कर मैं इस तरफ ले आऊं, यहाँ पर एरो शो कर दूं, तो इसका मतलब है ये किसी सेकंड रेंज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सपोज ये 20 थी, ये 200 है, और अगर इसी तरफ इधर कनेक्ट कर दें, ये बन जाएगी आपकी, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं 2000 माइक्रो एम्पीयर या जो भी, ये डिपेंड करता है कि आपके सिलेक्टर स्विच के साथ जहां आप उसे मूव कर रहे हैं आपकी अपनी रेंज क्या है जो आप मेयर करना चाहते हैं, और उस रेंज के सामने जहां वो मार्क होती है मेन, आपका काम सिर्फ इतना होता है प्रैक्टिकली कि आप वो सिलेक्टर स्विच को उस रेंज के सामने मूव कर देते हैं। पहले आपको मेन वोल्ट एम्पेयर मीटर के सामने लेकर जाना होता है अपना सिलेक्टर स्विच, और वहां से फिर आपने अपनी रेंज सिलेक्ट कर आप घर में अपनी मेयरमेंट कर सकते हैं। सो शंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन यूज होते हैं आपके पास एम्पेयर मीटर जो है उसकी रेंजेस बनाने के लिए इन साइड द मल्टी एमीटर। तो ये बहुत सेफ होता है, इसको हम सेफली करंट की रेंज को चेंज करते रहते हैं और मेयर कर सकते हैं। तो ये एवोमीटर एज अ करंट मेयरमेंट डिवाइस का था आपके पास। अब हम देखेंगे कि एवोमीटर एज अ वोल्टेज मेयरमेंट डिवाइस, आप इसको यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं अगर आपको आता है कि मल्टी वोल्ट मीटर, तो आप उसमें मल्टी वोल्ट मीटर में यही लिखेंगे कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेयर द डिफरेंट रेंजेस ऑफ द वोल्टेज। और इस तरह ऊपर जो है वो उसे मल्टी एमीटर, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं मल्टी एमीटर उसी हेडिंग को, उसी सर्किट को, और उसमें आप डिफाइन कर सकते हैं कि मल्टी एमीटर इज यूज टू मेयर द डिफरेंट रेंजेस ऑफ करंट। अब हम मल्टी वोल्ट मीटर की बात करेंगे, मीन्स द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेयर द डिफरेंट रेंजेस ऑफ द वोल्टेज। तो वोल्टेज मेयरमेंट के लिए मैंने आपको बताया है कि आप जैसे आप एमीटर बनाने के लिए शंट का यूज करते हैं, इसी तरह मल्टी रेंज वोल्टमीटर बनाने के लिए हमें बहुत सारे शंट रेजिस्टेंसेस चाहिए होते हैं। तो यहाँ गैल्वेनो मीटर के साथ हम सीरीज में यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे 5 आपको हाई रेजिस्टेंसेस नजर आ रहे हैं RH। तो ये 5 अगर आपके हाई रेजिस्टेंसेस है, इसका मतलब है कि ये वाला जो आपका मल्टी वोल्ट मीटर है ये 5 रेंज के वोल्टेज मेयर कर सकता है DC एंड AC में। यहाँ पर ये सर्कल में इसका सिलेक्टर स्विच शो किया हुआ है। इस वक्त अगर आप इसे समझना चाहें तो ये आपका जो ये वाला डॉट है और ये ग्रीन वाला डॉट, ग्रीन एंड रेड डॉट, ये वही ब्लैक एंड रेड लीड को शो कर रहे हैं जो टर्मिनल मैंने आपको फिगर में एक्चुअल वाले में दिखाए थे। अंदर सर्किट के अंदर यहाँ पर आपके पास ये जो डिफरेंट ब्लैक लाइन्स हैं ये सिलेक्टर स्विच के साथ इनका कनेक्शन शो करेंगे। इस तरह से बिल्कुल सर्कल में यूं जुड़ा होता है। अभी आप अगर देखें तो आपका सिलेक्टर स्विच इन फ्रंट ऑफ द बी है जो कि 2.5 वोल्ट यहाँ मार्क हुआ है। इसका मतलब कि इस वक्त हमारा मल्टी वोल्ट मीटर जो उसकी रेंज है वो 2.5 वोल्ट है। इसी तरह मेन से अगर आप स्विच को मूव कर 10 वोल्ट पे ले आए तो आपका ये मल्टी मीटर सेकेंड रेजिस्टेंस के साथ जुड़ जाएगा। ये देखिए सेकेंड का टर्मिनल सिलेक्टर स्विच के साथ इन टच हो जाएगा और ये 10 वोल्ट बन जाएगा। अगर आप इसे मूव कर यहाँ पे ले आए, सीधा कर दें अपने इस सिलेक्टर स्विच को, तो ये थर्ड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्शन में आ जाएगा। इसी तरह ये EF के साथ जिस तरफ भी हम मूव करेंगे ये उसी कनेक्शन के साथ मिलकर उसी रेंज का मल्टी वोल्ट मीटर मिल जाएगा, बन जाएगा। बस आपने ये याद रखना है कि फॉर द मल्टी वोल्ट मीटर टू मेयर द मल्टी रेंजेस या मेनी रेंजेस ऑफ द वोल्ट मीटर यू हैव टू कनेक्ट द हाई रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, और उन सारों की जो वैल्यू है जैसे कि हमने कन्वर्जेंस में इनका फॉर्मूला भी डिराइव किया था, इनकी ये वैल्यू डिसाइड करेगी कि ये कितनी रेंज का वोल्ट मीटर इस वक्त आपके पास बन जाएगा जब आप उसे सिलेक्टर स्विच से सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें ये है आपका मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। इसमें जस्ट आपको डायग्राम समझनी है और ये एक्सप्लेनेशन में याद रखना है कि वोल्ट मीटर के साथ आपने यहाँ पर इसकी रेंज बढ़ाने के लिए भी हाई रेजिस्टेंसेस ही यूज करने हैं। अब हम लास्ट में देखेंगे कि आपका एवोमीटर एज अ रेजिस्टेंस मेयरमेंट डिवाइस कैसे यूज होता है। एज अ रेजिस्टेंस मेयरमेंट डिवाइस के लिए एक तो अंडरस्टूड है कि इसे कैलिब्रेट करते हैं हम इन ओहम्स, और आपको मैंने शो भी किया था स्टार्ट में फिगर में कि उसके ऊपर ओहम का मार्क भी बना हुआ था, वहां पे डिफरेंट रेंजेस होती हैं। बस इसमें एक फर्क होता है कि आप देखें कि आपके वोल्ट मीटर और आपकी एम्पियर मीटर में ये वोल्टेज सोर्स शो नहीं किया हुआ था। इसका रीजन ये है कि हमने किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है देखना होता है
रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो उस टाइम पे आप ये देखें, ये लेट सपोज ये कोई रेजिस्टेंस है, इससे आपने ये दो लीड्स एक्स एंड वाई टच कर दी और फंक्शन सिलेक्टर स्विच को आपने रेजिस्टेंस मेजरमेंट सर्किट की तरफ करके ये ज्वाइन हो गया यहाँ से। अब यहाँ पर ये आपने वेरिएबल रेजिस्टेंस शो किया और इस तरह से ये सर्किट कम्प्लीट हो गया। अब इसमें ये बैटरी सोर्स कहाँ से आया, एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस की कोई पोलैरिटी नहीं होती, इसलिए मेन सर्किट में जब हम अपनी ब्लैक एंड रेड लीड टच करेंगे तो हम इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे कि हम उसे किस जगह पे वो पॉजिटिव या नेगेटिव क्लैरिटी कंसिडर नहीं होगी। मतलब उसे किसी भी तरह आप ब्लैक को इधर या रेड को इधर टच कर सकते हैं या रेड को इधर या ब्लैक को इधर टच कर सकते हैं, बिकॉज रेजिस्टेंस के कोई भी पोल्स नहीं होते। लेकिन फिर इस सर्किट में करंट जो है वो किस तरह से फ्लो करेगा, करंट की डिटेक्शन कैसे होगी अगर हम पोलैरिटी का ख्याल नहीं रखेंगे, तो ओहममीटर में जैसे ही आपका एवोमीटर कन्वर्ट हो जाता है तो वो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पे। तो जो करंट है जिसकी वजह से उसने रेजिस्टेंस को जज करना है वो उसकी इंटरनल बैटरी सोर्स से मिलता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि आपके पास जो है पोलैरिटी ऑफ द लीड्स डज नॉट मैटर इन केस ऑफ द ओहममीटर। जब एवोमीटर ऐसा ओहममीटर यूज होता है तो पोलैरिटी ऑफ द लीड्स जो है वो मैटर नहीं करती, बट उसकी इंटरनल बैटरी की पोलैरिटी डिसाइड करेगी करंट की डायरेक्शन को। सो आपके पास जो नॉर्मल आपकी कमर्शियली मिलते हैं एवोमीटर्स, उनकी जो रेजिस्टेंस की रेंज है वो 1 ओम से लेकर सेवरल मेगा ओम्स तक हो सकती है। ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पे डिजिटल मल्टीमीटर। लास्ट ये आपके जो डिजिटल मल्टीमीटर्स हैं, जिसकी मैंने एक क्लियर पिक्चर भी आपको शो की है, इनमें जस्ट इनका बेनिफिट ये होता है कि दे हैव मेनी मेनी फंक्शंस और दे कैन गिव यू मेनी रेंजेस ऑफ वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस। सेकेंडली दे आर कंप्यूटर एम्बेडेड। कंप्यूटर एम्बेडिंग का मीनिंग ये है कि इनसाइड ये जस्ट लाइक अ कंप्यूटर वर्क करते हैं, आपको रीडिंग रीड नहीं करनी पड़ती बल्कि आपको एक एक्यूरेट ड्यूरेबल रीडिंग जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है, जिससे पैरालेक्स एरर जो है वो रिमूव हो जाते हैं। पैरालेक्स एरर का मीनिंग होता है जैसे आपके पास यहाँ मार्क लगे हों और सिर्फ नीडल है तो आपको खुद देखना होता है कि ये 1.1 है, 2 है, 2 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, तो उसमें पैरालेक्स एरर हो सकता है। मीन आपको वो जो लाइंस हैं उनके उनके सामने बिल्कुल नीडल है या नहीं है उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, लेकिन इन केस ऑफ डिजिटल आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, रीडिंग रीड नहीं करनी पड़ती बल्कि वो डिस्प्ले हो जाती है। यू जस्ट हैव टू टच दीज लीड्स इन द सर्किट। सो ये इसका बेनिफिट है, इसीलिए एवोमीटर्स जो है वो काफी ज्यादा यूज में है प्रैक्टिकली। आई थिंक आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।